सो गाइस, मीडियाटेक ने उसको एआई में कन्वर्ट कर दिया है अपने मीडियाटेक 1200 चिपसेट को, एंड एआई चिपसेट उसका बहुत ज़्यादा अपडेट वर्सन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग को जो पावर सेविंग एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बेहतर मिलता है ये, और कम पावर कंजप्शन करता है। एंड यहाँ पे 5G मोड कुछ ऐसा दिया है कि नॉन स्टॉप नहीं आप अपने जो वॉइस ट्रैकिंग को बात कर सकते हैं। एंड ये 200 मेगापिक्सल तक कैमरा को सपोर्ट करता है और 40% ग्रेटर डायनेमिक रेंज इसमें है। तो इसमें AI कैमरा के साथ साथ इसमें आप लोग को 3.UFS 3.0 का स्टोरेज मिलता है, जो एक AI स्टोरेज है, ठीक है। तो ये इमेज को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। एंड यहाँ पे आपको 3 GHz का क्लॉक स्पीड मिलता है, जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह इन्हेंस करेगा। तो यहाँ पे आपको 160Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस एंड आपकी स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो नेरा स्पीकर होता है, जो डुअल स्टेरियो स्पीकर होता है, उसका उस इसमें डायमेंसिटी AI में बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया गया है। तो ये एक डायमेंसिटी 1200 का एक अपडेट वर्सन है, AI वर्सन है, एंड ये लॉन्च करने वाला है OnePlus का कुछ। सो गाइस, डायमेंसिटी और एक प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है डायमेंसिटी 1200 AI। बट अगर मैं आपको डायमेंसिटी 1200 डायमेंसिटी 1200 AI में जो फ़र्क होता है, तो जिस फोन से शूट हो रहा है इस फोन का इसमें है डायमेंसिटी 1200, आई मीन रियलमी X7 मैक्स से ये शूट हो रहा है। एंड अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं डायमेंसिटी 1200 एंड डायमेंसिटी 1200 AI, तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन OS के साथ आएगा, आई मीन जो OnePlus का Nord 2 होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5G के साथ। बट यहाँ पे ये एक 5G प्रोसेसर है, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। इसका कम्पेयर टू इसका कॉस्ट आने वाला है 30,000 के आसपास इसका कॉस्ट आने वाला है। तो ये इतना फ्लैगशिप फोन है, बट रियल मी X7 मैक्स से थोड़ा इसमें कम फीचर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे उसको ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा, जो थोड़ा कम लाइट है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। तो आपको पता है ऑक्सीजन OS कितना फास्ट चलता है, ठीक है। एंड्रॉयड OS थोड़ा हैवी है, तो यार लाइट अगर कोई फ़ोन में हमारा हम लोग किसी रैम में लाइट प्रेशर डालते हैं तो वो ही आता है कि वो परफॉर्म ज़्यादा करेगा, एंड कुछ चीज़ में अगर हम लोग हैवी प्रेशर डालते हैं तो वो परफॉर्म थोड़ा स्लो करेगा। तो यही है बस फ़र्क। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, एंड मैंने डायमेंसिटी का जो AI प्रोसेसर है, ठीक है, तो मैंने उनकी वेबसाइट पर गया था और वहाँ पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बट मुझे कुछ ऐसा तगड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि ये डायमेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर आप दोनों में ही सेम देखने को मिलेगा, लाइक 6,30,000 के समथिंग कुछ देखने को मिलेगा, बट दोनों में सेम दिखेगा। बस यहाँ पे कुछ आपको ये इम्प्रूवमेंट मिलता है कि जो हमारा जो वीडियो स्ट्रीमिंग होता है, ठीक है, यहाँ उसमें जो डायमेंसिटी AI होता है 1200 AI, वहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। एंड वीडियो स्ट्रीमिंग कर दो वहाँ पे, और इमेज स्टेबिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, तो इमेज स्टेबिलाइजेशन और इमेज का कुछ HDR कलर्स जो फिल्टरिंग होता है वहाँ पे थोड़ा आपको बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा आज कम्पेयर टू डायमेंसिटी 1200। बट उतना OP नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि उतना OP नहीं है, जबकि गेमिंग परफॉर्मेंस में, ठीक है, गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों सेम रहेंगे। बट ग्राफिक्स के मामले में अगर हम देखें तो मैंने बहुत सारा 2 दिन से उसको रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो ग्राफिक्स के मामले में शायद ही डायमेंसिटी 1200 थोड़ा, जो 1200 AI थोड़ा आगे है। बट गेमिंग का जो स्पीड है कंपैरिजन है वहाँ पे डायमेंसिटी 1200 डायमेंसिटी 1200 AI दोनों इक्वल है। तो OnePlus के Nord 2 में देखने को मिलता है, अभी तक OnePlus Nord 2 का प्राइस भी कंफर्म नहीं हुआ है और उसका कॉस्ट भी कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब कि कब ये रिलीज होगा, उसका रिलीज डेट एंड उसका प्राइस दोनों ही कंफर्म नहीं हुआ है। तो तुम लोग यार वेट मत करो यार, रियलमी X7 मैक्स एक बहुत बेहतरीन फ़ोन है। तो मैं इस सेम फ़ोन से लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो मेरे को करीब क्या बताऊँ यार, लगता है यार मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, और इसमें स्टेनलेस स्टील का कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जो वाकई बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि 2-3 घंटे तक आराम से चल जाता है बहुत स्मूथली OP वाला। तो वीडियो कैसे कमेंट करके बताओ, एंड डायमेंसिटी अगर आपको पसंद है तो यार लाइक कर दो चैनल में, ठीक है। धन्यवाद।